विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, नमस्कार। फंक्शंस ऑफ बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, फंक्शंस ऑफ बोन एंड स्केलेटल सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो हमारे बोन हैं, यानी जिसे हम अस्थियां या तो हड्डियां भी कहते हैं। तो ये अस्थियां या जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से काम में आती हैं। इसके अलावा जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो हमारा कंकाल तंत्र है, ये किस तरह से हमको इससे हमको सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लेक्चर है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब द सिक्स मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जो कंकाल तंत्र है इसके जो छह प्रमुख कार्य है हमारे शरीर में, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है, देखिए हमारे शरीर में जो बोन है, जो हमारी हड्डियाँ या तो जो अस्थि जिसको हम कहते हैं, तो बोन जो है, बोन क्या है सबसे पहले तो बोन जो है, बोन इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। हमारे शरीर में जो हमारे जो अस्थि हैं या तो बोन है, वो इस तरह के ऑर्गन हैं, ऐसे अंग हैं जो बहुत सारी अलग अलग पेशियों से बने होते हैं, और ये सारी जो पेशियां हैं, टिश्यू हैं, वो सब मिलके एक साथ में काम करती हैं। तो बोन जिसको ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं, तो ये बोन या तो जो ऑसियस टिश्यू है वो किसके बनी हुई है, तो वो बोन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कार्टिलेज भी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सभी जो टिश्यू हैं वो मिलके हमारे बोन बने होते हैं। अब तो द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड देयर कार्टिलेजेस कंस्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। तो पूरा पूरा जो बोन का जो फ्रेमवर्क है और जो कार्टिलेज जो जुड़ी हुई हैं, तो ये सब मिलके हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर इज रिफर्ड टू एज ऑस्टियोलॉजी। तो बोन की जो स्ट्रक्चर है, बोन की जो रचना है, इसका अभ्यास और बोन के रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, जो बीमारियां हैं, इनकी जो ट्रीटमेंट है, इनका जो इलाज है, तो ये साइंस के जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो टर्म है ऑस्टियोलॉजी, इसमें ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है। तो बोन का जो डिटेल में स्टडी है, बोन स्ट्रक्चर का और बोन के डिसऑर्डर का, तो ये जो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको, उस ब्रांच को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था पहला पॉइंट था हमारा डिस्कशन का। अब यहाँ पे ये देखिए आप पूरा पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ बोन टिश्यू, बोन टिश्यू का काम क्या है वो, और सारे जो फंक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, जो हमारे शरीर में जो लंबी जो हड्डियाँ हैं, तो लंबी हड्डियाँ जो हैं उनके स्ट्रक्चर में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से टिश्यू होती हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा सारे जो नाम है ध्यान से एक बार पढ़िए आप सभी नामों को, ठीक है। तो इस तरह से ये फिगर है, फिर यहाँ पे ये भी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन ह्यूमरस ऑफ आर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए
रेड बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ पे होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बोन मैरो इन द एडल्ट स्केलेटन। फिर बी में सेक्शनल व्यू ऑफ फीमोरल हेड कंपेयरिंग रेड एंड येलो बोन मैरो। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आप देखिए येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, इन दोनों, ये दोनों ही बोन मैरो जो है इनका काम क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इन दोनों बोन मैरो में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए इसके अलावा, अच्छा ये जो फिगर है, ये फिगर में आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो की है ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। देखिए बोन्स ऑफ स्केलेटन डार्क जो ब्राउन कलर है यूज़ किया है इन्होंने तो एक्सियल स्केलेटन के लिए, और लाइट येलो जो कलर है जो यूज़ किया है अपेंडिकुलर स्केलेटन के लिए। फिर कार्टिलेजेस में देखिए आप, हाइलिन कार्टिलेज के लिए ब्लू कलर, ग्रीन कलर इलास्टिक कार्टिलेज, रेड कलर में फाइब्रो कार्टिलेजेस। तो यहाँ पे आप पूरा ये जो है कार्टिलेज कहाँ पे है और एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि देखिए जो हमारा स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म सेवरल बेसिक फंक्शन। हमारा जो कंकाल तंत्र है इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, ये कार्य क्या हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि देखिए नंबर वन पे है सपोर्ट, यानी आधार देना, ठीक है। तो देखिए द स्केलेटन यानी कि जो कंकाल तंत्र है वो, द स्केलेटन सर्व्स एज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू। तो हमारे शरीर में ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह होता है जो हमारे शरीर में जो सॉफ्ट टिश्यू हैं इनको सपोर्ट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, एंड प्रोवाइडिंग अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर द टेंडन्स ऑफ मोस्ट स्केलेटल मसल। तो जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो ये क्या करता है हमारे बोन्स, तो जो स्केलेटल मसल के जो टेंडन हैं उनके लिए अटैचमेंट पॉइंट जो है, अटैचमेंट सरफेस है, वो प्रोवाइड करते हैं हमारे बोन। तो ये किस तरह से कर रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, देखिए यहाँ पे जो फिगर है, रिलेशनशिप ऑफ स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ठीक है, स्केलेटल मसल और बोन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे टेंडन्स बताए हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल के टेंडन्स किस तरह से जो हमारी हड्डियाँ हैं उसके साथ में जुड़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी टेंडन दिखाया है, ठीक है, और वो किस तरह से बोन के साथ में जुड़ता है। और ये हड्डियाँ, ये जो बोन है और बोन और मसल मिलके किस तरह से ये मूवमेंट होती है, तो इसके बारे में, हालांकि ये सारी जो बातें हैं टॉपिक जो है सिलेबस में नहीं है, तो हम जो हमारे सिलेबस में है उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो थर्ड पॉइंट जो है इसके बारे में, तो ये यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ये देखिए, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में ये देखिए कि असिस्टेंस इन
मोमेंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा जो पॉइंट है असिस्टेंस इन मूवमेंट। तो देखिए, मोस्ट स्केलेटल मसल्स दैट अटैचेस टू बोन्स, ज़्यादातर जो स्केलेटल मसल हैं वो बोन्स के साथ में जुड़े हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन दे कंट्रैक्ट दे पुल ऑन बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। तो जब देखिए, आप समझिए कि जो मसल हैं वो मसल हमारे बोन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण क्या है कि जब भी मसल कंट्रैक्शन होता है तो दे पुल ऑन बोन टू प्रोड्यूस, तो इसके कारण क्या है कि हमारे जो बोन है इनके ऊपर एक जात का दबाव आता है और इस दबाव के चलते हम हमारा जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 10। तो ये जो पूरी बात है मूवमेंट की, हालांकि वो हम नहीं करेंगे डिस्कस, लेकिन बुक के अंदर चैप्टर 10 में इन्होंने पूरा जो डिस्कशन वो किया हुआ है इस बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल हैं वो बोन के साथ में जुड़े हुए हैं। स्केलेटल मसल का जब कंट्रैक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, वो बोन को पुल करते हैं, जिसके कारण हम हमारा मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये तीसरे नंबर का कार्य है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए मूवमेंट लिखा हुआ है, मसल प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट वाया देयर अटैचमेंट टू बोन, मस्कुलर अटैच मसल अटैच अक्रॉस दी जॉइंट। चलिए अब जो चौथे नंबर का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए 4 नंबर पे मिनरल होम्योस्टेसिस स्टोरेज एंड रिलीज, ठीक है। तो देखिए बोन टिश्यू जो है हमारे बोन मेक्सअप अबाउट 80% ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का, यानी कि हमारा जो वजन है, हमारे वजन का 18% यानी 18% जो हमारा बॉडी वेट है वो हमारे बोन के कारण है। हमारे जो बोन है स्टोर सेवरल मिनरल, बहुत सारे मिनरल जो हैं वो हमारे बोन के अंदर स्टोर होते हैं, ख़ास करके कैल्शियम होता है और फॉस्फरस, ये स्टोर होते हैं हमारे बोन में, विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, और जो हमारी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, उसकी जो वजह है क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो स्टोर होता है, इसलिए तो हमारे बोन काफ़ी सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं। बोन टिश्यू स्टोर्स अबाउट 99% ऑफ बॉडीज कैल्शियम, हमारे शरीर में जो 99% जो कैल्शियम है वो हमारे बोन के अंदर स्टोर होता है। फिर ऑन डिमांड बोन रिलीज मिनरल इनटू द ब्लड, हमारे शरीर में जब आवश्यकता रहती है तो आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो बोन है वो मिनरल को ब्लड में रिलीज करते हैं टू मेंटेन क्रिटिकल मिनरल बैलेंसेस, तो जिससे क्या होता है जो होम्योस्टेसिस जो है बैलेंस जो है वो बना रहता है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द मिनरल बैलेंस या तो होम्योस्टेसिस जो है वो बना रहने के लिए ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज किया जाता है बोन में से, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द मिनरल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के जो दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ पे भी इन मिनरल्स को भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो लिखा है C8+ और PO4⁻⁻ कैल्शियम फॉस्फेट, तो जो लिखा है मिनरल स्टोरेज एंड एसिड बेस होम्योस्टेसिस, तो बोन जो है बोन स्टोर्स मिनरल्स सच एज C8+ PO4⁻⁻, बोन जो है वो क्या करते हैं C8+ और PO4⁻⁻ का स्टोरेज करते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस। तो ये C8+ और PO4⁻⁻ जो है नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। चलिए फिर ये दूसरे नंबर का जो काम है, तो ये देखिए प्रोटेक्शन, तो ये देखिए आप यहाँ पे प्रोटेक्शन में हम बात करते हैं। देखिए द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, तो हमारा जो स्केलेटन है वो क्या करता है, हमारे शरीर के जो आंतरिक जो अंग हैं उनका प्रोटेक्शन करने का काम करता है, जिससे कोई इंजरी जो है इससे हमारे जो नाजुक अंग जो हैं इनको बचाते हैं हमारा स्केलेटन। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेनियल बोल, यानी हमारी जो मस्तक पेटी है
इसके जो बोन है प्रोटेक्ट द ब्रेन, क्रेनियल बोन जो है वो हमारे हमारा जो दिमाग है ब्रेन है इसका प्रोटेक्शन करते हैं। एंड रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग, तो रिब केज जो है वो हमारे हार्ट और लंग का प्रोटेक्शन करती है। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रोटेक्शन, तो स्केलेटन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर पे जो पॉइंट है देखिए, तो यहाँ पे 5 नंबर पे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो हमारा ब्लड है उसके जो सेल हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है। तो जो रेड बोन मैरो जो है, ठीक है, रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। रेड बोन मैरो जो है वहाँ पे ब्लड के सेल का निर्माण होता है। फॉर्मिंग ब्लड सेल इन रेड बोन मैरो, फिर येलो बोन मेरो, तो देखिए येलो बोन मेरो स्टोर्स ट्राइग्लिसराइड। तो ये रेड बोन मेरो जो है और येलो बोन मेरो जो है वो क्या है, ये भी आप समझिए कि रेड बोन मेरो जो है वो क्या करती है, तो वहाँ से ब्लड के जो सेल हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और ये जो येलो बोन मेरो है तो येलो बोन मेरो में ट्राइग्लिसराइड जो है इनका स्टोरेज होता है, यानी कि जो फैट है वो स्टोर होती है येलो बोन मेरो में। तो अब हम ये जो पॉइंट है 5 नंबर का, तो 5 नंबर के पॉइंट में ब्लड सेल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए विद इन सर्टन बोन्स अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल रेड बोन मैरो, कुछ जो हमारे जो बोन है इनके अंदर रेड बोन मैरो नामक कनेक्टिव टिश्यू होती है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है क्या करती है, RBC जो है रेड ब्लड सेल इनका फॉर्मेशन करती है रेड बोन मैरो। इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल हैं प्लेटलेट्स हैं इनका निर्माण होता है, और रेड बोन मैरो जो प्रक्रिया जो प्रोसेस के मार्फत RBC वाइट WBC और प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है उस प्रोसेस को हम हेमोपोइसिस कहते हैं। तो हेमोपोइसिस जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके तहत रेड बोन मैरो जो है वो RBC WBC और प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है। चलिए अब जो जो रेड बोन मैरो जो है कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग ब्लड सेल, तो रेड बोन मैरो क्या किससे बनी हुई है, तो रेड बोन मैरो जो है इसके स्ट्रक्चर में डेवलपिंग ब्लड सेल होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं रेड बोन मैरो के स्ट्रक्चर में, मैक्रोफेजिस होते हैं विद इन अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर। तो जो रेटिकुलर फाइबर का जो जाल है उसी के अंदर आप देखेंगे कि डेवलपिंग RBC होते हैं, फिर WBC होते हैं, प्लेटलेट होती हैं, एडिपोसाइट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, रेटिकुलर फाइबर होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो बन के रेड बोन मैरो जो है वो बनता है। फिर इट इज़ प्रेजेंट इन डेवलपिंग बोन्स ऑफ द फीटस। रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो कहाँ पे होती है, तो जो फीटस जो है, फीटस का जो डेवलपिंग जो बोन्स है उसमें भी रेड बोन मैरो होती है। एंड इन सम एडल्ट बोन, फिर कुछ जो पुख्त व्यक्ति जो हैं, पुख्त व्यक्ति के जो रेड बोन मैरो जो है, तो जैसे कि ये रेड बोन मैरो पुख्त व्यक्ति में एडल्ट में कहाँ पे होती है, तो सच एज द हिप बोन। तो रेड बोन मैरो कहाँ पे होती है, तो फीटस के जो डेवलपिंग बोन हैं, जो गर्भ है, गर्भ में जो बच्चा है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनकी जो बोन है उसमें रेड बोन मैरो होती है। इसके अलावा जो पुख्त व्यक्ति हैं जो एडल्ट हैं उनके जो हिप या तो पेल्विक बोन में, फिर रिब्स में, स्टर्नम में, इसके अलावा जो वर्टिब्रा हैं, ठीक है, स्कल एंड एंड्स ऑफ बोन ऑफ दी ह्यूमरस, यानी कि आर्म बोन और फीमर थाई बोन, इन सभी में रेड बोन मैरो पाई जाती है। फिर
इसके अलावा इन अ न्यू बॉर्न, जो नवजात बालक जो अभी पैदा हुआ है, ऑल बॉर्न मैरो इज़ रेड, सारी जो बॉर्न मैरो जो हैं नवजात बालक में वो रेड बॉर्न मैरो होती है, एंड इज़ इन्वॉल्व इन हीमोपोइसिस। तो जो नवजात बालक है इसमें जो रेड बॉर्न मैरो जो है वो जो ब्लड के जो सेल हैं इनके फॉर्मेशन का काम करती हैं। फिर विथ इंक्रीजिंग एज मच ऑफ द रेड बॉर्न मैरो चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो। जैसे जैसे बच्चे का जो उम्र है वो बढ़ता है वैसे वैसे जो रेड बॉर्न मैरो है वो येलो बॉर्न मैरो में कन्वर्ट होती है। और फिर ब्लड सेल प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड इन डिटेल इन सेक्शन 9.19.2। तो ये जो 19.2 है जो यहाँ पे जो रेफरेंस बुक है उसमें लिखा है, तो आप जो है ये पूरा जो है ये जो टॉपिक है हीमोपोइसिस का, ब्लड के जो सेल के जो फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आप जो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो लेक्चर्स हैं तो वो आप आपके जो क्लासरूम में जो लेक्चर्स हैं उसमें आप इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें, तो देखिए 6 नंबर पे ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। तो जो येलो बोन मैरो जो है, येलो बोन मैरो कंसिस्ट मेनली ऑफ एडिपोज सेल। येलो जो पीले रंग की जो बोन मैरो है वो प्रमुख तौर पे एडिपोज सेल की बनी होती है, और ये जो एडिपोज सेल हैं विच स्टोर्स ट्राइग्लिसराइड, और ये जो एडिपोज सेल हैं वो क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज करते हैं। द स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड आर पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व। और ये जो ट्राइग्लिसराइड जिनका स्टोरेज किया जाता है, तो फिर पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व यानी ज़रूरत पड़ने पे इनमें से ही फिर ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, इनका जो फॉर्मेशन जो शरीर में जो प्राप्त जो ऊर्जा है वो इसी में से हमको मिलती है। ट्राइग्लिसराइड के फिर ऑक्सीडेशन करके एटीपी फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है और हमको जो एनर्जी है वो मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर का जो पॉइंट है, देखिए हार्मोन प्रोडक्शन। तो बोन जो है, बोन प्रोड्यूस ऑस्टियो कैल्सिन, बोन जो है वो ऑस्टियो कैल्सिन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन, ऑस्टियो कैल्सिन क्या है, ऑस्टियो कैल्सिन ऐसा हार्मोन है दैट हेल्प टू रेगुलेट इंसुलिन सिक्रेशन। तो ये जो हार्मोन है ये इंसुलिन सिक्रेशन जो है इसका नियंत्रण करता है। फिर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस जो है वो बनाए रखता है ऑस्टियो कैल्सिन। और फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है उसको भी मेंटेन करता है ऑस्टियो कैल्सिन नामक हार्मोन, जो जो कि बोन जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। पूरा जो फिगर है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप पूरा जो बोन है और स्केलेटन सिस्टम के जो फंक्शन है तो वो यहाँ पे इस फिगर से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में ये जो हमारा आज का जो विषय था ये लेक्चर अब यहाँ पे समाप्त होता है, फंक्शंस ऑफ बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।